पिरामिड मेडिटेशन चैनल हरियाणी में आप सबका स्वागत है तो आज का हमारा सेशन है वनस्पति विज्ञान के ऊपर वेलकम एवरीवन प्लीज स्टार्ट डॉक्टर गीता जी प्लीज हम शशि अह थैंक यू थैंक यू सो मच मैं डॉक्टर गरिमा है यहां पर हेलो मैम हमारे डॉक्टर हैं मैं दोनों का स्वागत करती हूँ और अभी हमारे व्यूअर्स जो हैं जुड़ जाएंगे तो हम शुरू करते हैं डॉक्टर गरिमा yes, आप प्लीज अपना एक इंट्रोडक्शन दीजिए और प्लीज हम शुरू करेंगे ओके sure. okay? हाँ वेलकम एवरीवन थैंक यू थैंक यू सो मच तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोड्यूस कर दूं आई एम डॉक्टर गरिमा सिक्सना मैं होलिस्टिक आयुर्वेदा स्पेशलिस्ट जब मैं बात करती होलिस्टिक आयुर्वेदा की तो मैं बात करती शरीर मन और आत्मा तीनों की क्योंकि आयुर्वेद में तीन चिकित्सा के बारे में बताया गया है एक है देव चिकित्सा युक्ति विपाशा चिकित्सा और सत्भाव्य चिकित्सा जो युक्ति विपाशा चिकित्सा है वो उसमें हम युक्तियां लगाते हैं जिसमें हम शरीर के दोषों को बैलेंस करते हैं वह है युक्ति चिकित्सा चिकित्सा में हम मन मन का जो गुण है सत्व उसके ऊपर को -को सरेंडर कर देते हैं चिकित्सा तो मैं होलिस्टिक आयुर्वेदा स्पेशलिस्ट हूँ क्योंकि मैं तीनों चिकित्साओं के ऊपर काम करती हूँ तीनों चिकित्साओं के द्वारा मैं शरीर मन और आत्मा को हम एक बैलेंस बना के रखते हैं जैसे योग में भी कहा गया है क्या चित्त वृत्ति निरोधक हमें मन की वृत्तियों का निरोध करना है वही हम देव चिकित्सा से करते हैं और हम सत्वाज चिकित्सा से जो हमारे मन में विचार चलते हैं हम उनको ठीक करते हैं सो दैट इज माई होल इंट्रोडक्शन और मेरा एक क्लिनिक है छोटा सा पंचकर्मा सेंटर है इट्स होलिस्टिक आयुर्वेदा पंचकर्मा सेंटर इन द नेम ऑफ सुखायु बाबा गुड़गांव में यहाँ पे मैं सारी बीमारियों का इलाज इन्हीं तीनों चिकित्साओं को समावेश करके हम करते हैं क्योंकि आज के परिवेश में हमने ये चीज देखी है कि व्यक्ति को रोग शारीरिक तो कम मगर मानसिक ज्यादा है अगर आप डायबिटीज भी लोग एलोपैथी दुनिया भर की दवाइयाँ खा रहे हैं मगर उनसे पूछो कारण क्या है तो ये आता है कि इट्स एन आइडियोपैथिक कॉज मतलब कारण अनोन है क्या है? स्ट्रेस हो सकता है लाइफ हो सकता है बट आखिर क्या है बट अगर हम व्यक्ति के मन में जाए उससे पूछे सवाल कि आप ही बताओ आपको डायबिटीज क्यों हुई है क्या कुछ उस समय कुछ आपके जीवन में कुछ हुआ था आसपास कुछ हुआ था उसका जवाब आता है हाँ, मैं उस समय बहुत ज्यादा तनाव में था या मुझे नींद अच्छे से नहीं आती थी या मैं बाहर का खूब खाता था कहीं ना कहीं चीजें कुछ ना कुछ अस्त व्यस्त जाती है ऐसे ही ना जो भी आपको रोग होता है उसका कुछ ना कुछ कारण आपके मन में है मन में कैसे इसको हम थोड़ा सा समझेंगे क्योंकि आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ आपके गर्दन के दर्द और कंधे के दर्द के बारे में उसके लिए हमें समझना है है कि विचार क्या है? विचार क्या से ज्यादा मन हमारे शरीर में दर्द कैसे लाता है और हम हमारे मन की चिकित्सा से, सक, से या देव से हमारे शरीर को हम कैसे स्वस्थ करते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा हम देखना चाहेंगे पहले तो हमें समझना है कि मन क्या है मन को अगर हम आम भाषा में बोलें तो मन एक ऊर्जा जैसा है जिसमें आपके सारे के सारे विचार रहते हैं ये आपका एक लाइब्रेरी है लाइब्रेरी ऑफ योर होल लाइफ आप जिस क्षण से अपने माँ के गर्भ में आए थे उस क्षण से लेकर आज तक की सारी मेमोरीज आपके मन में है हमें याद क्यों नहीं रहता सिंपल हम जीवन में इतने सारे सबको सब कपड़े खरीदते हैं अलमारी में हमने पाइलअप करते गए एक दिन हम भूल जाते हैं कि यार ये कपड़ा भी हमारे पास था सफाई करते हैं तो दिखता है सेम हमारे मेमोरीज का भी होता है सारी मेमोरीज को हम कलेक्ट करते हैं जैसे इस पर्टिकुलर की कितने सारी मेमोरीज को आप स्टोर कर रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ मैं कैसे बोल रही हूँ हाथ चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? आपके आसपास क्या आवाजें आ रही हैं आप क्या महसूस कर रहे हो ये सारे के सारे ना भाव आपके मन में एक फाइल में जाके वहां पे स्टोर हो रहे और ये सारी फाइल्स दो तरीके की होती हैं एक होती है हमारी पॉजिटिव फाइल और एक होती है नेगेटिव पॉजिटिव कब होती है जब हमारा किसी भी चीज को लेके एक्सपीरियंस अच्छा होता है तो बन जाती है पॉजिटिव अगर अगर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है बन गई नेगेटिव फॉर जीवन में अगर कभी आपने पहली बार गुलाब जामुन अच्छा लगा तो क्या मजा आ गया अच्छा नहीं लगा तो यार सेकेंड टाइम जो उस गुलाब जामुन को खाने से पहले ना आप कई बार सोचोगे अगर अच्छा नहीं लगा तो क्या कहीं वॉमिट ना आ जाए मुझे कहीं तो कुछ ना हो जाए और अगर हमने कई समय तक नहीं खाया तो एक दिन हम कहने लगते हैं यार आई एम टू एलर्जिक टू गुलाब जामुन बट खेल क्या है खेल उस मेमोरी का है जो हमारे मन में है उसने क्या किया अंदर हमारे बॉडी में रिएक्शन किया किसी को वोमेट आ गया किसी को नोजिया आ गया थॉट्स थॉट से अब क्या है एक थॉट इमोशन क्रिएट करता है इमोशन से एनर्जी डिस्टर्बेंस होता है और ये एनर्जी कहाँ है एक और के रूप में हमारे शरीर के चारों ओर जब उस एनर्जी में डिस्टर्बेंस होएगा, तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर पे तो इफेक्ट आएगा इसीलिए हमारे विचारों का हमारे मन का सीधा हमारे शरीर से कोरिलेशन है आयुर्वेद का एक ग्रंथ है अष्टांग हृदय उसका पहला श्लोक ही ये कहता है कि अगर तपते हुए बर्तन में एक बर्तन में अगर आप तपता हुआ कोयला रखोगे तो वो बर्तन भी गर्म होता है तो वो श्लोक ये कहना चाहता है कि अगर आपका शरीर स्वस्थ है उस पर अगर आपने तपता हुआ मन रख दिया जिसमें बहुत ज्यादा दुख है द्वेष है राग है तो कहीं ना कहीं वो शरीर पे इफेक्ट करेगा तो आज हम यही बात समझेंगे कि कैसे हमारे मन के विचार हमारे शरीर पे इफेक्ट करते हैं और थोड़ी देर पहले मैंने इसी में कहा कि एक और बना हुआ ये और एक ऊर्जा है हम ह्यूमन हम जीवात्मा तीन चीजों के सहयोग से है शरीर मन और आत्मा शरीर तो हम सब देख रहे हैं आयुर्वेद को जो भी समझता है सब जानता है कि दोष है वात पित्त कव पंच महाभूत है मैं उस चीज में डिटेल में बात नहीं कर क्योंकि हम सब अच्छे से उस चीज को समझते हैं हमने सुना है हमने पढ़ा है मन के बारे में मैंने आपको ब्रीफ दिया बट वो जो आम भाषा में होता है बट आयुर्वेद में मन के बारे में बहुत डीपली और लिखा हुआ है बट मैं वही बताऊंगी जो हम आम भाषा में समझ सके अब बात आती है आत्मा की आत्मा को अगर मैं आम भाषा में समझू तो आत्मा जीवात्मा का अंश है अगर हम आ, आत्मा परमात्मा का अंश है इसलिए हम कहते हैं जीवात्मा परमात्मा इज अ डिवाइन मतलब स्रोत ऊर्जा का हम जब उससे ऊर्जा ले रहे हैं तो हमारी जो आत्मा है वो पवित्र है इसीलिए अगर आप कहीं पे भी हीलिंग की प्रक्रिया पढ़ोगे या देखोगे कि क्या क्या चीज को हील किया जाता है या ठीक किया जाता है उसमें यही आता है कि शरीर के दोष मन के दोष शरीर के गुण मन के गुण मगर आत्मा के दोष या गुण नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि आत्मा अपने आप में ही एक डिवाइन है प्योर है उसको हीलिंग की जरूरत नहीं शरीर मन और आत्मा इनका हम अगर समावेश समझे तो उसके लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारी कार कार क्या कार में एक बॉडी है इंजन है पूरा का पूरा कार का सिस्टम अगर किसी दो व्यक्ति के पास सेम कार है बट उसका जीवन अलग अलग कैसे होगा सेम कार का मतलब सेम शरीर मगर शरीर क्या हो गया शरीर अब उसमें मन क्या है मैं आप बिलीव नहीं करोगे अब मैं अपने पेशेंट से बात पूछती हूँ कि मन क्या है कार में तो वो कहते हैं इंजन बट इंजन नहीं है इंजन तो वो बॉडी पार्ट ही है ना जो हमारे शरीर में है मन है वो ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा है क्योंकि उसके इशारे पे ही कहीं ना कहीं गाड़ी चल रही है आज ड्राइवर का मन खुश है तो वो अपनी गाड़ी को आराम से खुशनुमा चला रहा है कहीं उसको जल्दी पहुंचना है एकदम रश ड्राइव करके पहुंचेगा वो और अगर आज वो सैड है तो कहीं ना कहीं रुक रुक के इधर उधर जाके चलता है तो मन इज द ड्राइवर अब बात आत आती है कि उस कार में आत्मा क्या है उस कार की आत्मा है फ्यूल कुड बी एनी पेट्रोल डीजल सीएनजी जिससे आपकी गाड़ी चलती है वो है फ्यूल आप खुद सोचिए आपको अपने घर से कहीं पे भी जाना है आपने फ्यूल डलवाया रास्ते में कितने भी आपके बम्स क्यों ना आ जाए कितनी बार आप रुके क्यों नहीं कितने सड़क पे गड्ढे क्यों ना क्या उस पेट्रोल डीजल की हेल्थ पे क्वालिटी पे इफेक्ट पड़ता है नहीं पड़ता इफेक्ट पड़ता है उसकी क्वांटिटी पे सेम इज आत्मा सो इन कार हम समझे तो बॉडी इज आर कार बॉडी मन इज द ड्राइवर एंड फ्यूल इज आत्मा तो जब हम हीलिंग की बात करते हैं तो हमें दो ही चीजों को ठीक करना है क्योंकि तो दो ही चीज खराब हो सकती है हमारे शरीर के दोष इंबैलेंस हो सकते हैं हमारे मन के गुण सत्व पर्दे में आ सकता है रज और तम के मगर आत्मा तो स्वस्थ है अगर हमने शरीर और मन को स्वस्थ कर लिया तो फिर हम आत्मा के संपूर्ण संयोग में आके खुद को आध्यात्मिक रूप में ग्रो कर सकते हैं इसीलिए आज मुझे आपसे ये बात करनी है जिसके लिए आज हम यहाँ पर आए हैं गर्दन का दर्द और कंधे का दर्द जिसको आम भाषा में लोग कहते हैं सर्वाइकल मैं इसके लिए आपको एक अपने पेशेंट का एग्जाम्पल दूंगी मेरे पास 90% परसेंट पेशेंट जो हेडेक के आते हैं वो आके मुझसे कहते हैं कि मैडम मेरे को बहुत सालों से हेडेक है माइग्रेन है उसको ठीक कर गूगल से पढ़ के आते हैं दुनिया भर की दवाइयां लेकर आते हैं जब हम यहाँ पे उनका ऑब्जर्व करते हैं एग्जामिनेशन करते हैं इन्वेस्टिगेशन करते हैं हम सबसे पहले मैं एक ही चीज चेक कराती हूँ अपने थेरेपिस्ट से जस्ट चेक द स्वेलिंग बिहाइंड नेक एंड 90 परसेंट केसेज में जिनको हेडेक है 90% परसेंट में वी फाइंड आउट कि वो स्वेलिंग है गर्दन के पीछे उस गर्दन के पीछे स्वेलिंग के कारण क्या हो रहा है स्टिफनेस है ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं जा रहा हेड एक है और फीमेल जनरली कहती है मैं बहुत ज्यादा इरिटेटेड रहती हूँ मुझे ना बारह बजे के बाद मेरा सर का दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इरिटेशन होती है गुस्सा आता है कुछ करने का मन नहीं करता कभी कभी मुझे नोजिया होता है बट पीछे गर्दन के पीछे स्वेलिंग के जिसके कारण ये सब हो रहा है अब ये क्यों हो रहा है ब्लड सर्कुलेशन ना होने के कारण नर्व कंप्रेस होने के कारण उसके कारण जो आपका ब्रेन की एक्टिविटी है उस पर इफेक्ट पड़ रहा है सो यू डू नॉट हैव माइग्रेन माइग्रेन इन दैट केस नहीं है वो वो आपका सर्वाइकल के ऊपर स्वेलिंग है उसके कारण आपके हाथों में भी दर्द जाता है कंधे में भी दर्द होता है और जी मचलाता है लोगों का नोजिया आता है क्यों होता है क्योंकि इधर उधर गर्दन हिलाने में सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है तो फिर वो नोजिया फील होता है दे फील स्टक। तो हमें उस चीज से बाहर हम आखिर कैसे आए अब पहली बात तो हमें पता चल गया चलो ठीक है सर दर्द है हमें स्वेलिंग है अब लोगों को तो समझाने में ही दिक्कत हो जाती है यार आपको माइग्रेन नहीं है आपको कहीं ना कहीं ये सर्वाइकल है आपको वो चीज समझनी पड़ेगी बट जब वो प्रेस करते हैं ना आप उसको खुद भी चेक करिए जस्ट टच करके देखिए स्वेलिंग है क्या और हल्का सा अपोजिट डायरेक्शन में इसको प्रेस करके देखिए अगर पेन है और आपको हेड होता है न, मतलब कहीं ना कहीं स्टिफनेस के कारण नेक बैक स्टिफनेस सर्वाइकल स्पॉन्डलाइटस और सर्वाइकल स्टिफनेस के कारण आपको हेड एक आ रहा है अब बात आती है इसका कारण क्या क्या हो सकता है क्योंकि मैं तीन चीजों के ऊपर काम करती हूं तो मैं तीनों अलग अलग आपको कारण बताऊ पहला कारण हम शरीर से शुरू करते स्वेलिंग स्टिफनेस ये आपके बैड पोस्टर के कारण हो सकता है बैड पोस्टर कुड बी एट एनी एज अगर आप पढ़ाई करते हैं स्टूडेंट है अगर आप ज्यादा देर तक लिख रहे हैं तो फिर आपके हैंड में स्टिफनेस आएगी मसल आपकी स्टिफ होगी उनमें स्ट्रेस आएगा ऑटोमेटिकली आपके नेक के पीछे स्ट्रेन पड़ता है उसके कारण से स्वेलिंग आती है जो लोग ज्यादा देर तक लैपटॉप के ऊपर काम करते हैं या पेपर वर्क करते हैं आपकी नेक एक जगह पे स्टिफ हो जाती है उसके कारण स्वेलिंग आती है जो लोग ड्राइव लॉन्ग ड्राइव्स पे जाते हैं और उनका पोस्टर पोजिशन एकदम करेक्ट नहीं है उनको भी ये चीज होती है और इसके बाद जो मेजर कारण आता है दैट इज ओवर बर्डनिंग आपके शरीर से ज्यादा काम लेना शरीर से को जब हम ज्यादा स्ट्रेस दे देते हैं या ज्यादा काम लेते हैं उसके कारण भी सबसे पहले जो हमारी जो मसल स्ट्रेन में आती है दैट इज आर हैंड मसल्स उसके कारण सीधे शोल्डर के ऊपर इफेक्ट पड़ता है इससे आपके नेक के पीछे स्वेलिंग आती है फिर ऑटोमेटिकली हमें हेड होता है स्ट्रेन फील होता है कभी कभी आंखों में भी दर्द होता है कुछ देखने का मन नहीं करता कुछ लोग आके बोलते हैं है, मैडम ऐसा लग रहा है कि ढक्कन लग गया हाँ लगता है क्योंकि तो कुछ आपको समय समझ में नहीं आता है क्योंकि वहां पे सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं आ रहा है दैट इज अ फिजिकल कॉज ऑफ इट अब बात आती है फिजिकल कॉज का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं मेरे यहाँ पे जो मैं फिजिकल कॉज का ट्रीटमेंट करती हूँ मैं मेडिसिन कम से कम देती हूँ क्योंकि फिजिकली हमारा इट इज नॉट द इंटरनल दो शाज ऐसा नहीं कि बात तो ज्यादा अंदर से डिस्टर्ब हुआ है नहीं हमको पता है कि हमारा कुछ फिजिकल एक्टिविटी प्रॉपर नहीं है पोस्टर सही नहीं है तो हमें उस चीज को करेक्ट करना है हमें यहाँ पे स्वेलिंग को दूर करना हमें स्टिफनेस को दूर करना है उसके लिए पंचकर्मा इज द बेस्ट रिमिट हम यहाँ पे ग्रीवा वस्ती करें पोटली करें और नस्या नास्यम करने से तो आपका उर्द जत्रुगत सारी स्ट्रेंथनिंग हो जाती है सारा का सारा दर्द दूर हो जाता है पंचकर्मा गिव्स द बेस्ट रिजल्ट तो मेजर केसेस में हम पंचकर्मा करते हैं जहां पे हमें पता चल गया कि नहीं यहाँ पे पंचकर्मा करने के बाद भी स्वेलिंग दूर इतनी नहीं हो रही तो स्वेलिंग दूर हो कि भी बार बार आ रही मतलब कारण सिर्फ फिजिकल नहीं है कारण और गहरा तब बात आती है हमको ये फिगर आउट करने की कि कि आखिर मन में क्या चल रहा है क्योंकि तो ठीक है फिजिकली तो थो थोड़ी देर तो थो हो सकता है हम उसको ठीक कर सकते हैं मगर बार बार हो रहा है हमने पोजिशन भी करेक्ट करा ली पोस्टर करेक्ट हो गया एक्सरसाइजेस कर ली योग कर लिया सब कुछ कर लिया फिर क्यों देन अंदर जाना है खुद के भीतर जाके हमें पता लगाना है उसके लिए हम मन के ऊपर जाते हैं तो मैं सत्वाज चिकित्सा करती हूँ उसके लिए सत्वाज चिकित्सा में पूरा एक घंटे का सेशन होता है जिसमें हम व्यक्ति को उसके अवचेतन मन में लेके जाते हैं हम पता लगाते हैं कि आखिर क्या काट मैं आपसे दो से तीन केस डिस्कस करूंगी मेरे पास एक व्यक्ति आए थे उनको रिलीफ आ गया अराउंड एट्टी परसेंट स्वेलिंग पूरी दूर दर्द पूरा दूर मगर हर हफ्ते में एक एक बार उनको फिर से काफी सीवियर पेन उठता था यहाँ पे भी पेन उठता था में भी तब हमने उनका सतवाजे पे लिया सतवाजी पे जब मैं सेशन ले रही थी उनका जो चीज सामने आई वो ये थी कि वो हर चीज का बर्डन लेते थे क्योंकि वो बहुत बड़ी पोजिशन पे थे तो हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते थे और लोगों को उस लेवल पे बोल नहीं पाते थे हाई पोजिशन होने के कारण उससे क्या होता था चीजों को ना बोलने के कारण आपने चीजों को होल्ड कर लिया और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा तो हम हिंदी में बोलते हैं ना क्यों अब सारा भार अपने कंधे पे ले रहे हो जब तो सारा भारी हमारे कंधे पे आ जाएगा हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण तो दर्द तो उठेगा उसके कारण गर्दन पे दर्द आएगा तो मन में विचार क्या कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझे करना है बर्डन की हाय मुझे इतना सारा करना है ऊपर से हम लोगों को वो चीज नहीं बोल पा रहे उसके कारण भी आता है तो आप लोग भी ना अपने आप से पूछिए अगर आपको दर्द है अगर आपको सर्वाइकल बार बार होता है नेक एक शोल्डर एक बार बार होता है कि आपके मन में क्या चलता है क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में बहुत ज्यादा भार आपके ऊपर है पहली चीज क्या क्या आपको ये लगता है कि लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? क्योंकि पूरी हमारी स्पाइन का मतलब क्या है बैकबोन बैकबोन मतलब जीवन का सपोर्ट स्पाइन पे इश्यू आ रहा मतलब है मतलब कहीं ना कहीं ये होता है कि हमको लगता है कि हमें जीवन में प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल रहा यह भी आपको पूछना है खुद से पूछना और ये ना होना ना होना तो डिफरेंट है सारी हमारी भावना है कि आपको ऐसा फील होता है कि आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा अगर होता है, तो कहीं ना कहीं वो भी कारण दूसरा तनाव के कारण नींद पूरी ना जिन बंदे जिन व्यक्ति की मैं आपसे बात कर रही थी उनकी इन सारे अवस्था के कारण उनको नींद अच्छे से नहीं आती रात भर उनके मन में विचार चलते रहते थे कि मैं चीजों को कैसे मैनेज करूं मैं किससे क्या कहूं कि वो चीज सॉर्ट आउट हो जाए पीसफुली हो जाए उसके कारण रात भर मन के घोड़े दौड़ रहे मन के घोड़े दौड़ रहे हैं जब रात भर तो नींद अच्छी नहीं आएगी नींद अच्छी नहीं आएगी तो सबसे पहला प्रेशर कहाँ आपके ब्रेन एक्टिविटी के ऊपर ब्रेन एक्टिविटी हाई होने के कारण नेक पे प्रेशर पड़ता है जब आपकी फेशियल मसल्स रिलैक्स नहीं करती आपका ब्रेन नर्वस सिस्टम रिलैक्स नहीं करता तो ऑटोमेटिकली सबसे ज्यादा जो प्रेशर है वो आपके नेक एंड शोल्डर पे है उसके कारण वहां पे स्टिफनेस आती है तो हमें जो इंपॉर्टेंट चीज है क्या करना है हमें रिलैक्स करना है जो भी हमारी फीलिंग्स है हम उनको रिलीज करते हैं तो सत्वाज चिकित्सा के थ्रू हम उनके सारी समस्याओं को जो भी जो नकारात्मक विचार हैं या वो सारी फीलिंग्स जो उन्होंने पकड़ के रख ली हम उसको दूर करते हैं अब एक और चीज आती है यहाँ पर चक्रा इसको मैं इंक्लूड करती हूँ देव, देव पाश्य चिकित्सा दिव्य पाष्य चिकित्सा मतलब ऊर्जा डिवाइन ऊर्जा हम उससे चिकित्सा करते हैं तो उसमें हम बात करते हैं चक्रासकी हमारे शरीर में सात चक्र जो सर्वाइकल जो नेक पेन और शोल्डर पेन से रिलेटेड जो चक्र है उसको हम कहते हैं विशुद्ध चक्र या फिर थ्रोट चक्र थ्रोट चक्र का क्या काम है कॉन्फिडेंस प्रॉपर कम्युनिकेशन अच्छे से अपनी बात को रखना अगर हमें कहीं ना कहीं मन में ये लगता है कि यार मुझे कोई समझता नहीं है या मैं अपनी बात नहीं कह पाता या कह पाती मतलब आपका ये हिस्सा ब्लॉक्ड है ये स्टिफ हो जाता है कई लोग क्या करते हैं जो बोल नहीं पाते ना वो दांतों को जिसको भिस अंग्रेजी में फ्रेज कहा गया है बाइटिंग योर वर्ड्स मतलब बोल पानी तो पा नहीं रहे वो वर्ड्स को खाते हैं क्योंकि अंदर ही अंदर रख रहे हैं अब आप खुद सोचिए अगर आपका जबड़ा टाइट हो जाएगा जो आप बोलना चाहते हैं आप बोल नहीं पाएंगे आपका जब विश्व चक्र यहाँ पे ब्लॉक्ड है बोलना चाह रहे नहीं बोल पा रहे हैं कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम है लगता है कि कोई मेरी बात नहीं समझ पा रहा है ये सब हो रहा है हमारे अवचेतन में उसके कारण क्या हुआ इमोशन थॉट थॉट से इमोशन उससे एनर्जी डिस्टर्बेंस तो उसके कारण जो इफेक्टेड एरिया है उस एरिया का जो ऑर्गन है वहां पर इफेक्ट पड़ता है वो ऑर्गन है हमारा नेक एंड शोल्डर उसपे पेन आता है और कई लोगों को तो मैंने देखा ऐसा बड़ी बड़ी गठाने यहाँ पे पड़ जाती है और थोड़ी सी वो बैक के, तर, के स्कैपुला की तरफ भी जाती है तो हमें बहुत अच्छा बता रही हूँ क्योंकि ये जब मेरी तुम्हारे से पहली मुलाकात हुई थी तो आई वॉज वेरी मच मतलब इम्प्रेस्ड बिकॉज ये जो सत्वाजय चिकित्सा है जितना तुम इतना डिटेल में बता रही हो और इसका जो चिकित्सा कर रही हो इससे मतलब ये बहुत अच्छा है बिकॉज ये ही एक बेसिक चीज़ है मैं और डॉक्टर समीधा और बहुत सारे डॉक्टर्स हम बात कर रहे थे कि क्योंकि हमने जो मेन चीज़ें छोड़ दी हैं मन और आत्मा की जो आप एक्सप्लेन कर रहे हो मतलब इट इज़ वेरी गुड और जो अभी हमारे स्टूडेंट्स भी साथ में देख रहे हैं इनको भी बहुत एंतुजियाज मिलेगा कि यस हमारे अंदर जो हमारी फीलिंग्स हैं जो आप बता रहे हो कि जैसे पीछे जो कंधे में जो दर्द आ रहा है गर्दन में दर्द आ रहा है बिकॉज ऑफ हमारे थॉट हैं हम कहीं ब्लॉक कर लेते हैं चक्रास को ब्लॉक करते हैं है ना तो ठीक है आप कंटिन्यू करो और मैं लिटिल बिट कुछ टाइम के लिए नहीं रहूंगी आप लोगों के बीच में तो डॉक्टर समीदा है एंड यू बोथ ऑफ यू कोर्डिनेट ओके ओके तो इस चीज को थोड़ा सा मैं आगे आपको और बताऊंगी आप ये समझो कि हर चीज एक स्ट्रेस है किसी भी चीज का हो सकता है स्ट्रेस में सबसे पहले क्या होता है हम जब पीएमटी की तैयारी करते थे तब हम पढ़ते थे फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म पैरासिम्फेथेटिक नर्व सिंपेटिक नर्व सारी नर्व निकलती है हमारे स्पाइन से निकलती है और मेजर हमारा ये जो एक्सेस होता है एटलेटबॉन यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रेशर आता है अब जब स्ट्रेस होगा आपको आप क्या करते हो आप एक मोशन में आते हो कि मुझे भागना है या मुझे फाइट करना है उस भागने की पोजिशन में और उस फाइट की पोजिशन में सबसे पहले स्ट्रेस कहाँ आएगा हमारे हाथों पर अब हम ज्यादा तनाव में रहते हैं तो सबकॉन्शियसली भी तनाव आ जाता है हमारे हाथों पे जब हम ज्यादा काम करते हैं तो भी तनाव आ जाता है हमारे हाथों पे और हाथों से सीधा बर्डन जाता है कंधों पे जब हम ज्यादा सोचते भी हैं अगर आप सोचोगे तो लोगों को कभी भी आपने ना हाथों का उनका ढीला ढाला कभी नहीं देखा हुआ कोई ऐसा रख के सोच रहा है कोई पेन हिला रहा है कोई हाथों को टक 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 कर रहा है हाथ हमेशा मूवमेंट में रहते हैं आप खुद को भी कभी नोट करना जब भी आप सोच रहे हो या तो आप लिख रहे हो या स्क्रिबल कर रहे हो मूवमेंट में है इसीलिए हम तनाव में भी होते हैं ना अपने आप एक सबकॉन्शियसली हाथों में भी स्ट्रेस आता है एक स्ट्रेन आता है जिसके कारण सीधा प्रेशर हमारी नेक पे और शोल्डर पे पड़ता है उसके कारण वो स्टिफनेस आती है वो पेन उठता है तो अगर आपको ये हो रहा है तो बात को ध्यान से समझिए आपको यहाँ पे सिर्फ फिजिकली नहीं अपने मन को भी शांत करना फिजिकली तो चलो स्वेलिंग दूर हो जाएगी तेल लगा लेंगे पंचकर्मा कर लेंगे नस्यम कर लेंगे पोटली कर लेंगे उससे ठीक हो जाएंगे बट इंपॉर्टेंट है कि कब तक और कितनी बार क्या बार बार करेंगे अगर आपको परमानेंटली ठीक होना है तो उसके लिए मन को देखना पड़ेगा पहली चीज तो आप खुद से क्या कर सकते हो प्राणायाम कीजिए क्योंकि तो प्राणायाम करने से हमारे शारीरिक दोष तो बैलेंस होते ही हैं और साथ ही साथ रज और तम जो हमारे मानसिक दोष हैं, वो भी बैलेंस होते हैं उससे हमारी जो वायु है जिससे हमको प्राण मिलता है वो उत्तेजित होती है तो ऑटोमेटिकली हमारा माइंड रिलैक्स होता है प्राणायाम में भी कपाल भाती अगर तनाव है तो कपाल भाती को अवॉइड करें क्योंकि कपाल भाती इज नॉट अ मेजर प्राणायाम वो हट क्रिया में आता है तो इसीलिए लोग कहते हैं यार मैं तो कपाल भाती कर दाऊँ बट कपाल भाती वो प्राणायाम नहीं है जो पतांजलि योग में है कपाल भाती एक हट क्रिया में आता है तो प्राणायाम आपने अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है खुद को शांत करने के लिए आपको भ्रामरी प्राणायाम करना है और बहुत अच्छा शीतलिशीत कार्य जो आप जीवन जो आप दिन भर में कभी भी कर सकते अगर आप अनिलोम विलोम प्राणायाम कर रहे हैं तो पंद्रह मिनट अलार्म लगा के कीजिए पंद्रह मिनट अलार्म लगा के और कैसे करना है आपने लिया होल्ड कीजिए कुंभक जिसको कहते हैं होल्ड कीजिए रिलीज कीजिए फिर होल्ड कीजिए और कोशिश कीजिए कि आपकी सांस की आवाज ना आपको भी ना क्योंकि तो जितना आप रिलैक्स होकर करोगे जितना आपका माइंड रिलैक्स होगा अगर आप प्राणायाम को बिना एक काम लेके करोगे ना तो उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा द मोर यू रिलैक्स द मोर इट विल वर्क एकदम शांत हो गए ये नहीं किया दूध वाले ने आना या कुछ काम होना इधर उधर गया माइंड खत्म प्राणायाम का कुछ रिजल्ट नहीं मिलना बस फिर तो हमसे वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे आ जाते हैं बट हमें यहाँ पे ब्रीदिंग एक्सरसाइज से ज्यादा हमें उस प्राणायाम के गुण हमारे मन तक पहुंचाना है उसका बेनिफिट तो उसके लिए मन वहां पे लगना चाहिए फील करना है कि आ रही है सांस जो हमारे लंग्स और तो स्टमक में फिल हो रही है रोकना है जब रोको तो फील कीजिए कि वो जो आपने प्राण लिया है वो आपके रोम रोम को प्राण दे रहा है जब आप छोड़ रहे हैं, रेचक कर रहे हैं तब तो फील कीजिए कि सारा का सारा अवरोध या जो भी दोष है शरीर में या मन में वो नकारात्मकता आप निकाल रहे हैं जब फिर रोके तो फील कीजिए वो दूर जा रही है आपसे आपके वातावरण से जब हम हमारे विचार को हमारी इमेजिनेशन को कल्पना को प्राणायाम से जोड़ देते हैं तो उसका फल सौगुना हो जाता है वो करना है आपको और ये प्राणायाम आपका मन तो रिलैक्स करेगा और एक हैबिट हो जाती है हमारी हर चीज में तनाव लेने की उसको भी दूर करें। जब मैं ना लोगों को बताती हूँ कि यार ये आपका जो नेक पेन और शोल्डर पेन आपके तनाव के कारण होता है तो कहते हैं तो तनाव कैसे दूर करें काम तो हमें करना ही है पढ़ाई तो हमें करना ही है ऐसा तो हमारे साथ जीवन में होता रहेगा वो तो होता है सबके सिर्फ आपके साथ नहीं सबके साथ होना है इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप उससे कैसे कोप करते हो आप खुद को उससे कैसे उभार रहे हो वो एक हैबिट है हमारा रिएक्शन है जब तो हम उस रिएक्शन को बचा पाएंगे ना तो हमारी आधी समस्या दो जैसे हम नक्की बात करते हैं क्या कि सारा भार मेरे ऊपर है ये भाव आया हमारा इस भाव को हमें दूर करना है इसको कैसे दूर करेंगे क्या आपके वो ऐसा लगता है कि कोई उस भार को आपसे बता सकता है अगर लगता है हाँ तो उस व्यक्ति से बात कीजिए बांटिए मगर हमारी भी तो आदत बन जाती है कि यह सब कुछ मैं ही कर लू नहीं अगर आप उस भार को बांटोगे आपका भार कम होगा बात कीजिए बोलिए दीजिए दूसरों को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए अगर आपको ऐसा लगता है कि भार आपके ऊपर है तो खुद को रिलैक्स कीजिए और हर वो चीज कीजिए जिससे आपके मन को शांति मिले क्योंकि हमें उस कांस्टेंट फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म से खुद को बचा के रखना है तो अगर हम आज की बात करें गर्दन का दर्द और कंधे का दर्द हमने क्या समझा पहली चीज तो एक शारीरिक कारण से हो सकता है हमारा पोस्टर के कारण या फिर ज्यादा देर लैपटॉप के ऊपर काम करने से पेपर वर्क करने से मतलब वो भी पोस्टर में आता है हमारा नेक्स्ट स्टेपर दूसरा हमारे मन में विचार जहाँ पे हमें लगता है कि ओवरबर्डन है हम लोगों से बोल नहीं पा रहे हैं हमारा विश्व चक्र ब्लॉक जहाँ पे हमारा कॉन्फिडेंस लो हो गया है सेल्फ लो स्टीम आ गया है सेल्फ स्टीम जब कम हो जाती है तभी ऐसा होता है जहां पे लोग ना लोगों से मिल नहीं पाते हैं बात नहीं कर पाते ना कहीं वो बोलने की हिचकिचाहट वो भी जब हिचकिचाहट होगी तो भी तो, तो तनाव ही है उससे भी वो स्ट्रेन पड़ता है स्वेलिंग आती है वो स्टिफनेस आती है तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है कारण आप ही पता लगाइए कि आपका कारण क्या है जैसे आप कारण पता लगा लें आपको पता चले नहीं यार ये 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 मेरे कारण है तो उस हिसाब से आपको अपने कारण को दूर करना है फिजिकल इश्यू है तो फिर हम पंचकर्मा करेंगे आप कहीं भी अपने आसपास के लोगों के पास जाइए पंचकर्मा सेंटर पर पंचकर्मा कीजिए अगर लगता है नहीं अभी कोविड का टाइम है नहीं जा पा रहे हैं तो खुद ही गरम तेल लगाइए कोई भी अच्छा सा तेल लीजिए गरम तेल लगाइए भली सरसों का तेल या तिल का तेल लगाइए गरम तेल लगाकर सिकाई कीजिए और थोड़े से योगासन कीजिए एक ये वाली एक्सरसाइज आप सबको पता होगी यू हैव टू पुश इट आपके है उसको होल्ड करना है आपको तीस तक काउंट करेंगे वन साइड साइड टू तीसरा ऐसे और ऐसे और और चौथा तक उसको करना है और सबसे अच्छा आसन है इसके लिए सर्पासन या भुजंगासन अगर सिर्फ आप ये दो ही कर लेते हैं तो बहुत बेनिफिट मिलेगा और इंपॉर्टेंट चीज है तकिया आपका पिलो मोटा नहीं होना चाहिए कुछ समय के लिए पिलो का त्याग कर दीजिए हमारा जो नेक की पोजिशन है कहीं ना कहीं हमारा ना यहाँ पे गड्ढा बनता सपोज दिस 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 इज़ 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 योर 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 हेड स्पाइन लाइक अ स्पेस फॉर नेक आपको सोते समय इसको सपोर्ट देना है हेड को आपने ऊपर कर दिया तो नेक को सपोर्ट नहीं मिलेगा आपको अपने यहाँ पे सपोर्ट देना है कोई भी टॉवल को आप राउंड कीजिए नेक के पीछे लगा के सोइए ताकि पूरी बॉडी आपकी एक एंगल पे हो जब वो फ्लैट रहेगी तो आपकी बॉडी और रिलैक्स होगी जहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है राइट right? पिलो हो गया हमारा पिलो आपका ओनली नेक सपोर्ट के लिए नॉट द हेड सपोर्ट एक्सरसाइज हो गई ऑयल एप्लीकेशन हो गया एंड थोड़ा सा एक्सर्शन कम लेना नींद पूरी लेना अगर आपको नींद अच्छी नहीं आती रात को सोते समय ना आप गायत्री मंत्र का जाप करो जरूरी नहीं है जोर जोर से बोलना है मन में बोलो ग्यारह बार बोलो मगर ध्यान वहीं लगा के बोलो और उसके बाद थोड़ा सा नारियल का तेल अपने हथेली तलवे नाभि और तालू पे लगा लीजिए नींद आपकी अच्छी होगी जब नींद अच्छी होएगी शरीर और मसल्स पूरी आपकी रिलैक्स करेंगी ऑटोमेटिकली आपका पेन और स्टिफनेस कम होगा ये बात हुई हमारी शारीरिक दूसरी आती है मानसिक मानसिक में विचारों को देखना है तो जब आप प्राणायाम करेंगे बहुत सारे विचार आपके आएंगे सब बताएंगे यार हाय जीवन में ऐसा हो रहा है अरे मेरे साथ वो हो रहा है बहुत सारी चीजें मन में उठती हैं उस चीजों के साथ बहना नहीं है उसको so, वहां पे ब्रेक करना है वहां पे खुद को रोकना है बी माइंडफुल देखो अंदर क्या चल रहा है निकालो अगर खुद से नहीं हो पाए तो हम सतवाजा चिकित्सा करेंगे आपकी या फिर खुद से पहले पता करो प्राणायाम मेडिटेशन करो मगर मेडिटेशन भी देखिए बहुत सारे मेडिटेशन है आपको भी अपना मेडिटेशन चूज करना पड़ेगा कई मेडिटेशन ऐसे होते हैं जो आपको अंदर ले जाएंगे मगर आप वहां पे सोचते रहोगे वो चीज नहीं करनी है आपको वो मेडिटेशन करना है जो रिलीज कराए फिगर आउट कीजिए नहीं होता फिर हम आपको सतवाजे पे लेकर जाएंगे खुद का पहले सोल्यूशन निकालना है मगर उसके लिए ये पता होना चाहिए कि वो विचार क्या है अगर विचार पता लगा लिया तो आपका आधा सोल्यूशन हो गया कि क्या है कॉन्फिडेंस है ओवरबर्डन फील हो रहा है बोल नहीं पा रहे हैं हिचकिचाहट है हिच या फिर लंबा तनाव है पता लगाइए क्या है उसके ऊपर धीरे धीरे हम काम करेंगे तीसरा आता है जो मैंने बात करी थी चक्रा विशुद्ध चक्र जिसको हम लेते हैं देवाश चिकित्सा में जिसको हम लेते हैं ऊर्जा चिकित्सा में विशुद्ध चक्रा जो कि हमारा फिफ्थ चक्र है ये हमारे आगे की तरफ नहीं होता पीछे की तरफ होता है ये रिस्पॉन्सिबल है हमारे थाइरॉयड ग्लैंड के लिए तो हमारा हार्मोन जो थारॉयड हार्मोन है वो यहीं से होता है इसलिए आप तो अगर देखोगे जो लोग बहुत ज्यादा अपनी बातों को रख नहीं पाते हैं है ना उनको थाइरॉयड होता है और उन्ही लोगों को सर्वाइकल की बहुत ज्यादा समस्या होती है डायरेक्टली so रिस्पॉन्सिबल चक्रा को एक्टिवेट करने के लिए आप सिर्फ एक चीज करो स्टार्ट डूइंग ऑयल पुलिंग आयुर्वेद में जिसको कहते हैं तेल का गंडुश सुबह उठ के ऑयल पुलिंग कीजिए और अगर चक्र मेडिटेशन कर सके तो विशुद्ध चक्रा का आप मेडिटेशन कीजिए उससे भी आपको बहुत रिलीफ मिलेगा देह विपाश चिकित्सा सतवाजय चिकित्सा और युक्ति विपाश चिकित्सा अगर इन तीनों चीजों को हम साथ में के काम करेंगे तो आपका दर्द एक बार के लिए नहीं हमेशा के लिए जा सकता है क्योंकि आप उसको निदान परिवर्जन कर रहे हैं मतलब जो कारण है आप उस कारण को दूर कर रहे हैं बट वो कारण आपको पता लगाना पड़ेगा हम आपको बता सकते हैं बट कहीं ना कहीं आपको महसूस कीजिए और निकालिए और कभी भी आपको जरूरत पड़े तो हम आपके लिए हैं यू कैन कॉन्टैक्ट एस एनी टाइम डॉक्टर सामेदा यू वांट टू टेक ओवर हाँ बहुत बढ़िया लगा डॉक्टर गरिमा सक्सेना आपने इतने अच्छे से प्रकाश डाला कि कैसे हम सर्वाइकल जैसी नॉर्मल जो आजकल प्रॉब्लम चल रही है उसको हम कैसे तीन तरीके से शरीर से मन से कैसे हम अपने शरीर और मन की ट्रीटमेंट करके स्वयं भी इस चीज से निजात पा सकते हैं तो चलिए आज मैं मेरा टॉपिक अब स्टार्ट करती हूँ आज हम बात करेंगे आप एक बार स्क्रीन शेयरिंग करेंगे आज हम आ, बात करेंगे सीक्रेट लाइफ ऑफ प्लांट्स के बारे में एक बहुत ही खूबसूरत बुक है जो संगीता मैम ने कुछ एक महीने पहले मुझे मुझसे जिसके बारे में जिक्र किया था और उन्होंने बोला कि अब हम ये पढ़ेंगे साथ में सीक्रेट लाइफ ऑफ Plants. इसकी मैं एक आ, स्लाइड दिखाना चाहूंगी अब मैं बता पाऊंगी आपको बड़ा इजिली सीक्रेट लाइफ ऑफ के आ, ये एक बड़ी खास बुक है जिसमें हम देखिए प्लांट्स को हम कैसे कंसिडर करते हैं सबको स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या डॉक्टर गरिमा द स्क्रीन यस डॉक्टर ओके 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 तो आ, ये एक बुक है जैसा मैं बता रही थी कि आ, इसमें यह बताया गया है कि क्या प्लांट्स में भी लाइफ है हम लोग प्लांट्स को निर्जीव समझ के उनको काटते हैं उनको जब से हम पैदा होते हैं पूरा जीवन हम प्लांट्स खाते हैं जिन एनिमल्स को भी हम कंज्यूम करते हैं बहुत आ, डीपली सोचा जाए तो इनडायरेक्टली वो एनिमल्स प्लांट्स पर आ, निर्भर करते हैं कि आ, वो प्लांट्स खाते हैं और उन एनिमल्स को हम खाते हैं तो ये जो प्लांट्स जो ऊर्जा का स्रोत है हम इसको बहुत हद तक इग्नोर कर देते हैं जैसे कि हम जब पैदा होते हैं तो छोटे बच्चे को भी फूल दिए जाते हैं उन उनकी कल्पना उनकी जो तुलना है वो फूलों से की जाती है कोई भी हमारे घर में फेस्टिवल होता है तीज त्योहार होता है उसमें फूलों की यूज होता है कभी हम पूजा पाठ करते हैं उसमें फूल क्योंकि किसी भी चीज में हम देखेंगे कि प्लांट्स का जो रोल सिर्फ खाने तक नहीं है वो जो जैसे मैं बता रही हूँ फूलों का प्रयोग ही हमारी हर चीज में होता है चाहे वो बर्थ है चाहे डेथ है तो इन प्लांट्स के बारे में बड़े सोचने की बात है कि यदि हमारे घर में कोई तीज त्योहार है जैसे मैं बता रही हूँ उस उसी चीज में एक लाइवलीनेस लाने के लिए या हमारे ड्राइंग रूम को थोड़ा और जीवंत बनाने के लिए हम प्लांट्स का इस्तेमाल करते हैं लेकिन क्या जिन चीजों को हम समान समझ के इस्तेमाल कर रहे हैं क्या उनमें भी जीवन है क्या उनमें भी उस तरह के एहसास हैं जैसे हम एनिमल्स या हम सुपीरियर ह्यूमन बींग्स में हैं मनुष्य अपने आप को सबसे ज्यादा ऊंचा क्यों समझता है क्योंकि उसके अंदर उसमें एक नर्वस सिस्टम है क्योंकि उसमें सेंसेशन है दिमाग है सोचने विचारने की शक्ति है पांच इंद्रियां हैं और इसी तरीके से एनिमल्स को अपने नीचे समझता है क्योंकि उसको वो कंट्रोल कर सकता है और ये जो एनिमल्स हैं हमारे ये जो जानवर हैं क्योंकि हम जब कोई डॉगी या किसी को भी पालते हैं तो हम उसे इसलिए रखते हैं ताकि वो हमारी बातों को सुने हमारे प्यार का जो बदला है अपने प्यार से दे चाहे वो बोल भी नहीं पा रहे हैं और शायद एनिमल्स उतनी अच्छी तरीके से बोल नहीं पाते हैं इसलिए मनुष्य अपने आप को सबसे ऊपर रखता है क्योंकि जो पांच इंद्रिया हैं और जितना दिमाग है मनुष्य में वो जब तुलना की जाती है तो बाकी सबसे वो कम ही पाता है और अपने आप को सुपीरियर मोस्ट समझता है और इस बीच में सबसे ज्यादा निग्लेक्ट होते हैं प्लांट्स अब थोड़ा सा हिस्ट्री देखी जाए और ये एक ऐसा मुद्दा है जो हम लोग बिल्कुल भी नहीं सोचते ये मानते हैं कि इनको पानी दे दिया जाए इनको धूप दे दी जाए अपने आप बढ़ते हैं मरते हैं कुछ नहीं हम सोच पाते हैं लेकिन बहुत डीपली अगर इस चीज को हम सोचे तो थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में जाने कि ऐसे काफी साइंटिस्ट हुए थे जिन्होंने ये सोचना शुरू किया कि ये जो छोटे छोटे सीड से एक बीज से जो पौधा बन जाता है वो कितना क्या जीवन है उसका क्या उसमें भी सोचने समझने की शक्ति है क्या उसमें भी ऐसी कोई शक्ति है जिसे हमारी पांच इंद्रिया आंख नाक कान नहीं देख पा रहे हैं तो अरिस्टोटल जो थे सबसे पहले उन्होंने बोला था जो बहुत ही जाने माने वैज्ञानिक थे उन्होंने बोला कि प्लांट्स में आत्मा तो होती है लेकिन उसमें स्पंदन नहीं होती सेंसेशन नहीं होती कुछ भी अः महसूस करने की ताकत नहीं होती उसके बाद कार्ल वॉन लिन आए जिन्हें हम आ, फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी के नाम से भी जानते हैं उन्होंने बोला कि प्लांट्स और एनिमल्स में यही फर्क है कि प्लांट्स महसूस नहीं कर सकते क्या यह सिर्फ इसी वजह से था क्योंकि जब हम किसी प्लांट को काटते हैं तो ना उसमें से आवाज आती है न वो रिजेंटमेंट करता है ना वो गुस्सा दिखाता है, ये सोचने का है और आगे आने वाले हमारे चार्ल्स डाविन जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इस चीज के बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा समझा कि यदि हम एक छोटी सी प्लांट की इकाई को देखेंगे बिल्कुल आ, उसका जो टेंड्रिल है जो आगे वाला भाग है अगर हम उसको भी देखेंगे तो वो धीरे 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 बढ़ता है प्लांट्स जैसे आप लताएं देखते हैं वो धीरे धीरे बढ़ती हैं तो क्या वो ऐसे ही बढ़ती हैं या उनमें कोई सेंसेशन है कि किस चीज को पकड़ के बढ़ना है उनको कैसे पता कि ये इस तरफ को बढ़ना है तो चार्ल्स डाविन ने कहा कि हर एक इकाई जो प्लांट की है वो अपने हिसाब से स्वतंत्र रूप से चल सकती है और जिसमें इतनी स्वतंत्रता है तो क्या उसमें जीवन नहीं? ये सोचने की बात है इसके बाद एक महान वैज्ञानिक जिन्हें प्लांट्स की दुनिया में बहुत ज्यादा इज्जत मिली है वो राउल फ्रांस थे जिन्होंने ये बोला कि प्लांट्स भी एनिमल्स की तरह ही जानवरों की तरह ही फ्रीली अपनी मर्जी से घूम सकते हैं अब आप सभी को यही लग रहा होगा कि सही बात है प्लांट्स सारी दिशाओं में जाते हैं ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो मूवमेंट है ना उनमें जिस जिस मूवमेंट को हम सिर्फ इसी से गिनते हैं कि प्लांट ऐसा नहीं होता कि हमने लेफ्ट में रखा और वो ड्राइंग रूम के राइट साइड में आ गया लेकिन मूवमेंट उसकी स्लो जरूर हो सकती है धीरे जरूर हो सकती है परंतु क्या ऐसा नहीं होता कि एक छोटा सा पौधा जो कहीं से शुरू हो रहा है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ बहुत बड़ी स्पेस को कवर अप कर लेता है ये सब इसी वजह से है क्योंकि हम इस चीज को अप्रिशिएट नहीं करते कि प्लांट्स की जो मूवमेंट है जो गति है वो धीरे भले हो सकती है लेकिन नजरअंदाज नहीं की जा सकती है अभी शारीरिक रूप से भी जब हम बात करते हैं जैसे फ्रांस ने बताया कि एक प्लांट का जो छोटा सा भाग होता है आप यकीन मानेंगे कि वो भी 67 मिनट्स में करीब 70 मिनट में पूरी तरह से घूमने की शक्ति रखता है 20 सेकंड में वो कुछ मुड़ने की शक्ति रखता है अब ये सोचने की बात है जब इतनी शक्ति है मूवमेंट है प्लांट को ये भी पता चल रहा है किस तरफ को जाना है तो क्या प्लांट्स देख भी सकते हैं क्या प्लांट्स सेंसेशन क्या वो कुछ महसूस भी कर सकते हैं आगे आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे आपको जरूर इस चीज़ में थोड़ा थोड़ा रस आएगा आपको समझ आएगी ये बात कि कुछ एग्जाम्पल्स मैं रखना चाहूँगी क्योंकि बहुत जरूरी है कि हमारा मन जिस जो प्लांट्स को इतना ज्यादा डेड समझता है उसको कुछ टटोलने की जरूरत है कि ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स बताओ जिससे हमारा हम सबका जो सोच है वो थोड़ी सी और ज़्यादा डीप जाए सोचने पर मजबूर हो जाए कि हाँ हमें प्लांट्स का दर्जा कुछ ऊपर करना होगा जैसे कि एक एग्जाम्पल है सन ड्यू प्लांट या इसको पिक्चर प्लांट भी कहा जाता है वीनस फ्लाइट रैप कहा जाता है अब आप मानेंगे आप जैसे देख रहे हैं इसमें इस तरह के पत्ते देख रहे हैं आप इसके अंदर एक चिपचिपा पदार्थ होता है बिल्कुल एक दांतों की तरह जैसे कंगी होती है दोनों तरफ से इसके अंदर एक चिपचिपा पदार्थ होता है जिससे छोटी छोटी मक्खियां इस संड्यू प्लांट के अंदर चली जाती हैं, और जैसे ही कोई मक्खी अंदर जाकर इसका रसपान करने की कोशिश करती है तभी दोनों तरीके से दोनों तरफ से कंगी की कोम की तरह एक दूसरे में फंस के ये दोनों लीव्स फट करके बंद हो जाते हैं क्या इस सेंसेशन को हम स्लो कहेंगे नहीं नहीं कह पाएंगे इसी तरह से एक प्लांट है जिस जिसे हम जिसका एग्जाम्पल बड़ा शाही लगता है कि जैसे हम बॉडी रखते हैं हम अपने आप को बाकी सबसे बचाने के लिए कुछ पेमेंट देके बॉडीगार्ड रखते हैं इसी तरीके से ये सुंदर सा प्लांट अपने रस को चींटियों को पीना अलाउ करता है चींटियों को रस पीने के बदले अपने आप को दूसरे जो कीड़े मकोड़े हैं उनसे बचाने के लिए चींटियों को रसपान करने देता है तो क्या ये बॉडीगार्ड जैसी चीज नहीं हुई ये अकेशिया प्लांट का एग्जाम्पल था इसके बाद एक और पौधा है जो आप सामने देख रहे हैं इसको ट्राइकोसरस पार्वीफ्लोरस कहते हैं आप इसके बीच का भाग देखेंगे तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि कोई मक्खी बैठी हुई है काली मक्खी बैठी हुई है लेकिन ये प्लांट है ही ऐसा और इसकी बनावट इस प्रकार इसलिए है ताकि जो मेल फ्लाइज़ हैं वो इसे फीमेल फ्लाई समझ के इसके ऊपर आए और इसका पोलिनेशन हो यानी आगे इसके सीड्स बन पाए इसकी प्रोजन आगे बढ़े कितनी खूबसूरत बात है कि ये सारे प्लांट्स ने भी जैसे हम एनिमल्स के बारे में जानवरों के बारे में बात करते हैं कि धीरे धीरे हर जानवर ने अपने हिसाब से अपने शरीर को बदलाव किया म्यूटेशन की बात करते हैं बहुत पहले जैसे हम बोलते हैं जो रेप्टाइल्स थे जो आ, जैसे रेप्टिलियन फैमिली में हम काउंट करते हैं मगरमच्छ का एग्जाम्पल ले लीजिए तो मगरमच्छ की ही फैमिली का स्नेक भी था लेकिन क्योंकि स्नेक धीरे धीरे छोटे छोटे में जाने की प्रवृत्ति उसकी हो गई थी तो धीरे धीरे जब जिस भाग की जरूरत नहीं होती उसे प्रकृति छोड़ती जाती है, और जिस भाग की जरूरत होती है उसे और मॉडिफाई करती जाती है क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट तो चलता है कि जैसे जैसे आप नेचर में अपने हिसाब से शारीरिक रूप से मानसिक रूप से चेंज होंगे उस उतना ही ज्यादा आप यहाँ पर टिक पाएंगे तो धीरे धीरे जो स्नेक्स थे उनके हाथ पैर गायब हो गए क्योंकि उनको जो जरूरत थी वो केवल उनकी शरीर की थी और इसीलिए उनका जो लंबाई है जो जिस तरह का उनका स्वरूप है क्योंकि उनको होल्स में जाना लगता था इसी तरह से ट्राइकोसरस और इतने सारे जो मैं प्लांट्स का एग्जाम्पल दे रही हूं ये भी इसी तरह से अपने आप को बदलते हैं ताकि ये टिक सके ताकि अपने खुद का रक्षा कर सके और मेमोसा पुडिका इसके बारे में सब जानेंगे जैसे ही मैं इसका हिंदी नाम लूंगी वो है छुईमुई सभी लोग जानते हैं क्या होती है छुईमुई ये जो प्यारी प्यारी सी लीव्स देख रहे हैं हम जैसे ही छो थोड़ा सा इसको टच करते हैं ये सारी लीव सिकुड़ के बिल्कुल पतली सी हो जाती हैं और दूर से सिर्फ डंडी नजर आती है इस तरह का जो अडेप्टन है ये इसलिए था ताकि कोई भी जानवर जब आके इसके पत्तियों को खाने की कोशिश करे तो थोड़े से टच के साथ ही इसकी पत्तियां सिकुड़ जाएं और कोई भी इसका शिकार ना कर पाए इसी इसी प्रकार से ड्रसिया प्लांट या इसको हम ड्रैगन प्लांट भी कहते हैं जो भारत में अक्सर नहीं पाया जाता इसका बहुत ज्यादा वर्णन बाहर अमेरिका और इटली में है इसके लिए मान्यता है कि यदि ये प्लांट हमारे घर में रखा जाता है तो घर घर की जो भी दूषित जो हवा है या किसी भी तरह का कुछ और जो नेगेटिविटी है वो ये दूर कर देता है इसका नाम फीमेल ड्रैगन प्लांट भी के नाम से भी इसको जाना जाता है तो इसी तरह से क्या प्लांट्स इतने ज्यादा सेंसिटिव हैं इतनी सारी इनमें मूवमेंट है तो इस भाग पे ये कहना कि प्लांट्स डेड हैं क्योंकि वो उनमें मूवमेंट नहीं है क्योंकि वो खुद का बचाव नहीं कर सकते तो इतने सारे एग्जाम्पल देखने के बाद मुझे लगता है कि हमें दोबारा सोचना होगा इसके साथ ही जब हम भारतीय संस्कृति के बारे में कहते हैं तो आप सभी जानते हैं पीपल का पेड़ जिसकी पूजा होती है सब लोग गांव के चौपालों में पीपल के पेड़ की इतनी सुंदर छाया होती थी कि सब लोग उसके नीचे बैठना पसंद करते थे चौपाल लगती थी सब लोग बैठ के लंबी लंबी बात करते थे तो पीपल ट्री के बारे में ऐसे ही अशोक के पेड़ के बारे में जिसमें जिसके बारे में ये कहा गया है कि आ, महात्मा बुद्ध ने उसके नीचे बैठकर ही आ, जो अध्यात्म थी अध्यात्म जो उनके अंदर आया था वो उसके नीचे बैठ के ही हुआ था ऐसे ही बरगद का पेड़ जिसके बारे में बहुत सारी धार्मिक कहानियां और धार्मिक तथ्य जुड़े हुए हैं कि इसकी पूजा करने से हमारे जो बहुत सारे जो नेगेटिविटीज हैं लाइफ में वो बहुत ठीक हो जाती है तुलसी प्लांट के बारे में जितनी पवित्रता कही गई है कि जिसके घर में तुलसी होगी तो आसपास का वातावरण भी अच्छा रहेगा और मा, मानसिक रूप से भी हम बहुत ज्यादा ब्राइट रहेंगे और गिलोय जिसे अमृता कहा गया है जिसके बारे में ये ये कहानी भी बड़ी सुंदर कथा भी कही गई थी कि जब श्री राम जी हनुमान जी की सेना के साथ जा रहे थे तो बहुत सारे वानर मृत हो गए थे और बहुत ज्यादा घायल हो गए थे तो ऐसे में प्रभु श्री राम ने इंद्र जी से उपासना की थी कि आप कुछ ऐसा अमृत दिख दीजिए ताकि ये जो वानर है जीवंत हो उठे जो घायल है उनके व्रण ठीक हो जाएं तो उस टाइम पर इसकी वर्षा की गई थी इसे अमृतवल्ली भी कहा जाता है तो ये जो सारी मैंने आपको भारतीय जो वृक्षों के बारे में बताया ये ये अगर हम बहुत डिटेल में सोचें तो इतने सारे प्लांट्स को हमने धार्मिकता से जोड़ा इनमें इतनी शक्ति के बारे में कहा और हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों में इनका इतने बारे में कहा इतने सारे जो हर्ब्स हैं जो औषधियां हैं जो हमारे शरीर के सारे रोगों को ठीक करने की ताकत रखती हैं, क्या उनमें शक्ति नहीं है ये हम सभी को सोचना होगा और ये तो थोड़े से एग्जाम्पल थे हो सकता है हमें सिर्फ इतना ही पता हो हो सकता है हमारे घर में होने वाले हर प्लांट के अंदर बहुत सारी शक्तियां हो, जिसके बारे में हमने नहीं सोचा ये यही तथ्य लेकर ये हमने थोड़ी सी जो बातें आज की हैं ये ये सोचने पर अब आप, आपका मन जरूर मजबूर हो गया होगा कि प्लांट्स उतने ही नहीं हैं जितना हम उनको सोचते हैं वो उससे भी काफी ऊपर हैं इसके साथ ही बहुत सारी रिसर्चेज हुई हैं और आप जानकर बहुत ज्यादा खुश भी होंगे और अचंभित भी होंगे कि एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन यानी जो हम पांच अपने आंख नाक कान आ, के द्वारा जो चीजें हम देख पाते हैं हम उसी को सत्य मानते हैं लेकिन हम जैसे सिक्स सेंस कहते हैं कि मेरा दिल कह रहा है मेरा मन कह रहा है इस तरह की जो शक्तियां हम कहते हैं प्लांट्स में पाया गया है कि इस तरह की बहुत सारी शक्तियां हैं जिन्हें हम इनडायरेक्टली और डायरेक्टली रिकॉर्ड करके भी प्रूव कर सकते हैं कि ये जो सारी चीजें हैं प्लांट्स आर मच मच अबव क्या आप सोच सकते हैं कि प्लांट्स में भी भावनाएं हैं क्या आप ये सोच सकते हैं कि प्लांट्स को हमारी नियत के बारे में भी पता चल जाता है प्लांट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म नॉर्थ साउथ के बारे में भी सेंसेशंस रखते हैं और क्या मनुष्यों और पशुओं से भी ज्यादा प्लांट्स के अंदर फील करने की एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन है ऐसी तंत्र है जो हमसे भी ज्यादा है इस हर चीज़ का जवाब आज मैंने सिर्फ सीक्रेट लाइफ ऑफ प्लांट्स का एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो बताया है और धीरे धीरे जैसे जैसे इसके पन्ने खुलेंगे हमें बहुत सारी चीजें पता कर आ, होने को मिलेंगी क्योंकि देखिए हम लोग अपने बारे में जानना चाहते हैं अपने शरीर के बारे में हम कैसे स्वस्थ रहें लेकिन क्या हमें ये नहीं पता होना चाहिए कि जिस जो दवाइयां खा के जो खान पान जिसके बारे में हम हमेशा सोचते रहते हैं कि हम क्या खाके अच्छे हो जाएं उनके बारे में भी हम और ज्यादा ज्ञान ले क्योंकि शायद हम और भी बहुत सारी शक्तियां हैं जो हम मिस आउट कर देते हैं क्योंकि हमें इस चीज का इतना ज्यादा ज्ञान ही नहीं होता इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे इतने प्रेम से सुना और मैं आशा करती हूँ कि जिस तरीके से आज हमने बस थोड़ी सी ब्रीफिंग की है आपको जरूर कुछ ना कुछ नया सुनने को मिला होगा और साथ में आप सब जुड़े रहे हैं रहे हैं और मेरा हौसला भी बढ़ाया है सबसे ज्यादा धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे आदरणीय संगीता मैम का जिन्होंने हमें वनस्पति श्रृंखला करके हम सब डॉक्टर्स को एक साथ जोड़ा जिसमें हम आयुर्वेदिक द्रव्यों के बारे में भी बात करेंगे आयुर्वेदिक चिकित्सा के बारे में बात करेंगे मन शरीर आत्मा के बारे में बात करेंगे और हाँ सिर्फ मनुष्य के बारे में और सिर्फ अपने बारे में नहीं हम प्लांट्स के बारे में भी बात करेंगे उनका बहुत बहुत धन्यवाद आज की हमारी जो स्पीकर हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि डॉक्टर गरिमा सक्सेना ने बहुत खूबसूरती से आज जैसे तीनों तरह से तीनों तरह की चिकित्साओं को इतने सुंदर तरीके से बताया जो जो नॉन मेडिकल्स भी हैं उनको भी ये बात बहुत सुंदर तरीके से समझ आई होगी और अब मैं चाहूंगी कि यदि आप में से कोई भी कुछ प्रश्न पूछना चाहता है तो डॉक्टर गरिमा से पूछ सकते हैं या प्लांट्स के बारे में सीक्रेट लाइफ ऑफ प्लांट्स के जो थोड़े से एग्जांपल्स हमने आज बात की जो इंट्रोडक्शन किया उसके बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो यू आर ऑल वेलकम डॉक्टर थैंक यू मैम सो आई यू आई थिंक हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया ओके <laughs> <laughs> okay. uh, और और जो प्रश्न होंगे आप सभी के हमारी वनस्पति का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप डाल सकते हैं और अगली वाली जो श्रृंखला होगी उसमें भी आप इससे रिलेटेड बात कर सकते हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हम uh, हम दोनों को इतने प्रेम से सुना और हम नेक्स्ट उसमें मिलते हैं डॉक्टर संगीता नेहरा को दोबारा साधुवाद और थैंक यू डॉक्टर गरिमा एंड थैंक यू ऑल द डॉक्टर्स और हमारे सारे व्यूअर्स को प्रणाम ओके थैंक यू